लेंगे, लड़ कर लेंगे, लड़ कर लेंगे, दिल कर लेंगे, ठीक कर से साथियों सभी लोग बैठ जाइए, जो भी साथी जहाँ खड़े हैं वही बैठ जाइए, उसी जगह बैठ जाइए। हेलो, कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि जो साथी जहाँ पे है वही अपनी जगह बैठ जाए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जहाँ पे हैं वहीं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, ये जुलूस देर तक चलेगा। विभागों में जो सरकारी विभागों में बकाया पैसा है वो बिजली विभाग को उस टाइम से पे नहीं करते हैं, और विभाग वाले जो कर्मचारी है कहीं जाते हैं तो उनको एक साथ मारपीट होती है, इसलिए वो वसूली टाइम से नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे पास रिवेन्यू नहीं आ पाता है, और सरकार इसी का सहारा लेके हमें कह रही है कि हम आपका निजीकरण करेंगे, जो कि सरासर गलत है, और मरते दम तक हम लोग विरोध करेंगे और निजीकरण नहीं होने देंगे। मैं बिजली विभाग में ही जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। पिंकी गौतम, आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या मुद्दे हैं, किस लिए आप लोग सड़क पर हैं? भारत सरकार द्वारा निजीकरण पूर्वांचल का किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार यहाँ आंदोलनरत हैं। आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था, यह मशाल जुलूस लेकर के हमको आज शहीद आजम भगत सिंह के मूर्ति तक जाना था सिविल लाइन में, लेकिन सरकार ने पुलिस के दम पे हमारे रैली को यहीं मेडिकल चौराहे पर रोक दिया है, जिसके वजह से हम लोग यहीं पे अपना आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस कर रहे हैं। अगर सरकार के द्वारा इसी तरह से विरोध किया गया तो 5 तारीख को हम लोगों की रैली बहुत तीव्र होगी, हम लोग हड़ताल तक जाने के लिए बाध्य होंगे। अब हमारा यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हम जेल तक जाने का कार्य करेंगे। आशीष कुमार सिंह, पूर्वांचल सचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आपको संज्ञानित कर दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर पूर्वांचल डिस्काम का निजीकरण का निर्णय लिया है, उसके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। उस निजीकरण से सारे कर्मचारियों की छटनी होगी,
जो हमारा किसान वर्ग है उसकी बिजली महंगी होगी, जो कम यूनिट उपभोग करने वाले मजदूर हैं उनकी बिजली महंगी होगी, बुनकरों की महंगी होगी, और जो लोगों को रोजगार के अवसर थे, आप लोग जानते हैं निजी क्षेत्रों में कम रोजगार मिलता है, कम वेतन मिलता है, तो इसलिए नौजवानों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधेरे में जाएगा। इसलिए हम क्या क्या मांगों को लेकर यहाँ सड़क उतरे हैं? एकमात्र मांग है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार निजी हाथों में न दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल डिस्काम को 6 जोन हैं इनको 2-2 जोन एक में करके 3 भागों में बांटकर निजी हाथों में देना चाहती है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक भी है। अभी आगरा में निजीकरण हुआ, ग्रेटर नोएडा का निजीकरण हुआ, अरबों रुपया सरकार की जो देनदारी थी निजी कंपनियां दबा के रखी हैं, उसको दे नहीं रही हैं, तो सरकार का भी नुकसान है। लेकिन आप जानते हैं सरकार और उद्योगपतियों का जो नेक्सस है उसको लाभ करने के लिए ये निजीकरण किया जा रहा है। इसका आपकी मांगे पूरी हो तो क्या करेंगे इसके आगे? हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग कंप्लीट हड़ताल पर जाएंगे। 5 तारीख को कंप्लीट कार्य बहिष्कार होगा, उससे जनता को कहीं परेशानी होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये योगी सरकार अपनी हठधर्मी रवैये पर पुरानी वही सूदखोरी व्यवस्था वाली साहूकारी व्यवस्था लाना चाहती है, इसका हम विरोध करेंगे। 5 तारीख को इंडिकेशन के रूप में कंप्लीट कार्य बहिष्कार होगा, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो हम लोग कंप्लीट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और अपना जेल भरो कार्यक्रम भी चलाएंगे, सब परिवार हम लोग जेल भरेंगे। जयशंकर राय, अभियंता संघ।